Hello kids, let's start a new chapter of your book Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 4th by Brain Root Series. And this is your mentor Aparajita with a new chapter for you today. And we are starting a new unit also, unit number 5, our surroundings. And the chapter we are going to do is chapter 17, Story of the Past. पास्ट की स्टोरी पढ़ेंगे आज हम. सम एंड सब्सटेंस. एंशियंट पीरियड पास्ट, पुराने टाइम के बारे में पढ़ेंगे. पावरफुल डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट पीरियड, उस पीरियड के, उस टाइम की जो पावरफुल जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में. कौन कौन सी? मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी. फॉरेन इन्वेडर ऑफ एंशियंट पीरियड एंड मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. फाइन, let's retrieve which historical monument do you consider the most important. Yeah, which monument do you like the most? कौन सा monument आपको अच्छा लगता है? Maybe आप visit करने गए होंगे, कुछ monuments देखे होंगे आपने, तो कौन सा monument आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? Where is this monument situated? कहाँ है ये monument? Who built this monument? किसने बनवाया था ये monument? And describe its architecture in brief. और उसके आर्किटेक्चर के बारे में ब्रीफली बताइए. सो फाइंड इट आउट एंड राइट इट अप. इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट. बहुत ग्लोरियस पास्ट है इंडिया का. इंडियन हिस्ट्री टेल्स अस हाउ एंड व्हेन. सॉरी, आई एम गोइंग वेरी फास्ट, सॉरी. इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट. इंडिया का जो पास्ट है वो बहुत ग्लोरियस है. Indian history tells us how, when and where people developed the earliest cultures in India. जो इंडिया की हिस्ट्री है वो हमें क्या बताती है कि कैसे, कब और कहाँ लोग डेवलप हुए, लोगों ने डेवलप किया अपना अर्लीस्ट कल्चर. इंडियन हिस्ट्री इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री पीरियड्स. इंडियन हिस्ट्री जो है वो तीन पीरियड्स में डिवाइडेड है. कौन कौन सी? द एंशियंट पीरियड बिफोर 600 CE. Then the medieval period from 600 CE to about 1750 CE and the modern period from 1750 to 1947. Let's read about the ancient period. Historians or people who study history tell us that there was a very advanced civilization near the Indus River, jo ki ab Pakistan mein hai, now in Pakistan. In about 2500 BCE, जो historians हैं, जो लोग history के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो हमारा advanced civilization था, एक बहुत ही advanced civilization था, कहाँ पे? Indus Valley के पास, जो कि अब पाकिस्तान में है, और कब? ये था 2500 BCE में. This was the Indus Valley civilization. और ये जो advanced civilization था, इसका नाम था Indus Valley civilization. It is also called the Harappan civilization because Harappa was the first city to be discovered from this civilization. इसको हड़प्पन civilization भी कहा जाता है क्योंकि इस civilization में, Indus Valley civilization में जो सबसे पहली city discover की गई थी वो थी Harappa. Mohenjo-daro is another important city which was discovered in this region. और इसी region में एक और important city discover की गई थी जिसका नाम था Mohenjo-daro. The Indus Valley civilization stretches from northwestern India to present day Pakistan. अब ये Indus Valley civilization कहाँ से कहाँ तक थी? Northwestern India से लेकर अब जो पाकिस्तान है वहाँ तक. The Indus Valley people built well-planned cities with important buildings. अब Indus Valley civilization के जो लोग थे वो वेल प्लान्ड एक सिटी को प्लान करके बनाते थे, बड़ी वेल प्लान्ड सिटीज बनाते थे वो, विद इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स सच एज द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो. मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ है एंड द ग्रैनरी इन हड़प्पा सील्स, पॉटरी, ज्वेलरीज एंड अदर रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन दैट हैव बीन फाउंड टेल अस अबाउट द पीपल हु लिव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, अबाउट देयर लाइफ एंड द थिंग्स दे यूज्ड. अब जो मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ बना हुआ है और जो ग्रैनरी है हड़प्पा में, हड़प्पन सील्स में,
पॉटरी, ज्वेलरी और बाकी और भी जो रिमेन्स मिले हैं सिविलाइजेशन के, वो बताते हैं उन लोगों के बारे में जो उस टाइम पे रहते थे वहाँ पे, और उनकी लाइफ्स के बारे में और जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उनके बारे में बताते हैं। दिस इज़ अ ग्रेट बात, दिस इज़ द हड़प्पा सीन। पावरफुल डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट पीरियड, एंशियंट टाइम की पावरफुल डायनेस्टीज कौन कौन सी थी। मैनी डायनेस्टीज रेंड ओवर इंडिया ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड। टू मेजर डायनेस्टीज आर डिस्कस बिलो। अब दो मेजर जो डायनेस्टीज थी वो कौन सी थी। फर्स्टली द मौर्य डायनेस्टी। द फर्स्ट लीडर ऑफ द एम्पायर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। इस एम्पायर का जो पहला लीडर था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ही फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी और रूलिंग फैमिली इन 321 BCE. It was the first empire that covered most of the Indian region. ये पहली empire थी जिसने कि ज़्यादातर Indian region को cover किया था. It spanned across central and northern India as well as over parts of modern day Iran. Years later, his grandson Ashoka became the emperor. और बहुत सालों बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो grandson था Ashoka, वो emperor बना. After the war against the kingdom of Kalinga, the young emperor became very upset with the violence. अब जब कलिंगा को कैप्चर करने जो वॉर हुआ अगेंस्ट द किंगडम ऑफ कलिंगा, कलिंगा के अगेंस्ट जो वॉर हुआ, उसके बाद से ये जो यंग एम्परर अशोका था ये बहुत डिस्टर्ब हो गया। उसने जब वहाँ पे ये वॉयलेंस देखा, किलिंग देखी, किलिंग एंड वाउंडिंग ऑफ पीपल, ये सब देख के वो बहुत अपसेट हो गया, परेशान हो गया। He then decided not to fight any more wars and embraced Buddhism. Ashoka ne us war ke baad se ye decide ki, ye nishchit kiya ki wo kabhi bhi koi war nahi ladega aur usne Buddhism ko apna liya. Then he spread Buddhism in India and other countries in Asia. Fir usne Buddhism ko India mein aur Asia में अदर कंट्रीज जो एशिया की दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पे बुद्धिज्म स्प्रेड किया। सो एन इंटरप्रिटेशन चिल्ड्रन, चंद्रगुप्त फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ हिज एडवाइजर कौटिल्य। चंद्रगुप्त ने ये मौर्यन एम्पायर डेवलप किया, फाइंड आउट किया किसकी हेल्प से, उसके एडवाइजर थे कौटिल्य, उनकी हेल्प से। कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। फाइन, देन कम्स द गुप्ता डायनेस्टी। आफ्टर द मौर्यास द गुप्तास रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 4th to 5th centuries. मौर्यास के बाद गुप्तास आए इंडिया में 4th to 5th century CE में। They were very popular rulers and India became a prosperous country under their rule. अब ये जो गुप्ता rulers थे ये बहुत popular rulers हुए और इनके under में जो country था उसने बहुत grow किया, बहुत prosperous हो गया, बहुत rich हो गया। This period is called the classical age or the golden age of ancient India. और ये जो गुप्ता डायनेस्टी जिस टाइम पे आई, इनके टाइम का जो पीरियड है उसे कहा गया क्लासिकल एज या गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया। आर्ट, कल्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड ग्रामर डेवलप ट्रेमेंडसली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में इन सब चीज़ों ने बहुत डेवलपमेंट किया। इंटरप्रिटेशन, द फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट लिव्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एज। गुप्ता एज में जो फेमस मैथमेटिशियन हैं आर्यभट्ट, वो भी थे। Foreign invader of ancient period. अब ancient period के foreign invaders कौन कौन थे। Indo-Aryans came to India from Central Asia around 1500 BCE. 1500 BCE के आसपास Indo-Aryans आए India. कहाँ से? Central Asia से। They settled in North India after driving away the people living there. और वो कहाँ settle हुए? North India में, और वहाँ जो लोग रहते थे उनको उन्होंने भगा दिया वहाँ से। द आर्यंस ग्रू क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब ये जो आर्यंस आए तो इन्होंने क्रॉप्स उगाने शुरू किए और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। दे परफॉर्म सैक्रीफाइसेस एंड ओपन एयर सेरेमनीज। दिस एज इज कॉल्ड द वैदिक एज एज वेदास वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस एज को, जो आर्यंस का एज था, इसको कहा गया वैदिक एज, क्योंकि जो वेदास हैं हमारे
इसी पीरियड में लिखे गए थे. अलेक्जेंडर द ग्रेट. इन द 4th century BCE द ग्रीक्स एंड द इरानियंस फॉट फॉर सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सुप्रीमेसी कायम करने के लिए ग्रीक्स और इरानियंस ने आपस में एक वॉर हुआ उनके बीच. अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया द ग्रीक्स फाइनली डिस्ट्रॉयड द इरानियन एम्पायर. और मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर के लीडरशिप में ग्रीक्स ने इरानियंस को हरा दिया और उनका जो एम्पायर था इरानियन एम्पायर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. ही कॉन्कर्ड द काबुल वैली एंड द हिली एरियाज. सी दिस इज अलेक्जेंडर. क्या कॉन्कर किया? ही कॉन्कर्ड द काबुल वैली एंड द हिली एरियाज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड रीच्ड ओहिन नियर अटॉक इन 326 BCE. अलेक्जेंडर डिफीटेड किंग पोरस ऑफ पंजाब बट वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज ब्रेवरी. अलेक्जेंडर ने किसको डिफीट किया? अलेक्जेंडर ने पोरस को, पोरस ऑफ पंजाब, उसको डिफीट किया लेकिन उसकी ब्रेवरी से बहुत इम्प्रेस हुआ, उसकी बहादुरी से बहुत इम्प्रेस हुआ पोरस की. अलेक्जेंडर हैड टू गो बैक एज हिज सोल्जर्स वर टायर्ड ऑफ फाइटिंग. अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा क्योंकि उसके जितने भी सोल्जर्स थे वो बहुत थक चुके थे लड़ाई के बाद. He died on his way back to Babylon in 323 BCE. जब वो वापस जा रहा था अपने होम बेबीलोन में तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई in 323 BCE. He was only 33 year old when he died. और एज क्या थी उसकी? Just 33 year old जब उसकी डेथ हुई. Now the medieval period. Indian medieval history is associated with the start of Mughal. Medieval history kab se start hui? Mughals ke time se. Babur came to India in 1526 CE and laid the foundation of the Mughal rule in the country. Ab Babur India aaye kab? 1526 mein aaya aur usne Mughal rule ka foundation lay kiya country mein. Babur's son Humayun succeeded his father. बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया. आफ्टर हुमायूं'स डेथ हिज सन अकबर बिकेम द एम्परर इन 1556 CEE एट द एज ऑफ 13. और हुमायूं की डेथ के बाद उसका जो बेटा था अकबर वो एम्परर बना. उसकी उस टाइम एज जस्ट 13 ईयर्स की थी. ही वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर हु एक्सपेंडेड द एम्पायर बाई अलायंसेस एंड वॉर्स. और अकबर जो थे वो ग्रेटेस्ट मुगल रूलर थे. He was Akbar. Okay? Akbar, along with his tutor Bairam Khan, defeated the Afghan ruler Adil and his general Hemu at the Second Battle of Panipat in 1556. Ab Akbar ne Bairam Khan ke saath milke Afghan ruler Adil aur uska general jo Hemu tha, usko un dono ko Second Battle of Panipat mein hara diya. In 1576 CE, he fought and defeated Maharana Pratap Singh. Akbar ne 1576 CE mein Maharana Pratap Singh ko defeat kiya, the king of Mewar. Jo king of Mewar the, kaun se battle mein? In the battle of Haldi Ghati. Haldi Ghati ke yudh mein Akbar ne Maharana Pratap ko defeat kar diya. Akbar was succeeded by his son Jahangir. अकबर के बाद कौन आया? उनका बेटा जहांगीर. जहांगीर सन शाहजहां बिल्ट द फेमस ताजमहल इन आगरा. और जहांगीर का बेटा जो था वो शाहजहां थे और शाहजहां ने जो फेमस ताजमहल है आगरा में वो बनवाया था. औरंगजेब वॉज शाहजहां सक्सेसर एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर. और औरंगजेब शाहजहां के सक्सेसर थे और उसने वो बहुत इम्पॉर्टेंट किंग था मुगल एम्पायर का. कौन? औरंगजेब. The rulers after Aurangzeb were weak and the Mughals gradually lost their powers. और औरंगजेब के बाद जो rulers आए वो weak थे, वो नहीं संभाल पाए और इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ? Mughals का downfall हो गया and they lost their powers. Around 18th century, the Jats, the Sikhs and the Marathas and the state of Mysore became powerful.
18 सेंचुरी के आसपास जाट, सिख्स, मराठास और स्टेट ऑफ मैसूर ये बहुत पावरफुल हो गए थे. देन केम द मॉडर्न पीरियड. अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया. अब जब मुगल पीरियड चल रहा था उस टाइम पे यूरोपियन ट्रेडर्स कंपनीज ने इंडिया आना शुरू कर दिया था. द डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल हेल्प दीज कंपनीज टू बिकम मोर पावरफुल. और जैसे ही मुगल रूल का डिक्लाइन हुआ ये जो कंपनीज थी ये और ज़्यादा पावरफुल बन गई. दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर टू गेन मोर पावर. और ज़्यादा पावर लेने के लिए वो आपस में लड़ने लगे. द फ्रेंच, द पोर्चुगीज एंड द डच वर ऑल फाइनली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश. लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश ने इन सबको हरा दिया. फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, इन सबको ब्रिटिश ने हरा दिया. स्पॉट इंस्पेक्ट, हु रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द मौर्यंस. मौर्यंस के बाद कौन आए रूल में, द गुप्ताज. द गुप्ताज. व्हाट डज इंडियन हिस्ट्री टेल अस. इंडियन हिस्ट्री क्या बताती है. इंडियन हिस्ट्री इज वेरी रिच एंड डाइवर्स and it tells us about the rise and fall of different dynasties like the Mauryas, the Guptas, the Mughals and the British. From where to where the Indus Valley civilization stretches. It extends from present-day northeast Afghanistan through much of the Pakistan into western and northwestern India. Now, in 1757 CE, the British defeated the Nawab ruler, Nawab of Bengal. British ne 1757 CE mein Nawab of Bengal ko defeat kar diya. Nawab of Bengal kaun the? Sirajuddaula. And became the rulers of Bengal. Aur British wahan ke rulers ban gaye Bengal ke. The British who had come to India as traders now gradually started taking part in the administration of the country. British जो कि traders बन के आए थे India में, उन्होंने धीरे धीरे part लेना शुरू कर दिया India के administration. They soon brought almost the whole of India under their control. और जल्द ही ज़्यादातर India के ज़्यादातर parts वो अपने control में ले लिया उन्होंने. The British brought new ideas to our country. They built roads and railway lines. उन्होंने roads बनवाए, railway lines बनवाए. However, the British also exploited the people of India, which made them very unhappy. लेकिन उन्होंने जो लोग थे इंडिया के उनका बहुत exploitation किया जिस कारण लोग खुश नहीं थे. In 1857, there was a great revolt against the British. But this revolt was crushed and the Queen of England began to rule the Indian Empire. अब 1857 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया और जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी वो रूल करने लगी इंडियन एम्पायर. मैनी एजुकेटेड इंडियंस फॉर्म्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी दैट लेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. Mahatma Gandhi was the most popular leader of the freedom movement. Freedom movement ke sabse zyada popular leader kaun the? Mahatma Gandhi. He organized a number of movements to force the British to leave India. Bahut sare movements organized kiye unhone aur force kiya Britishers ko India chhodne ke liye. He used peaceful methods. Peaceful methods ka use, shantipriya methods ka use karte the of protest. Such as Satyagraha, which was based on the principle of truth and non-violence. क्योंकि महात्मा गांधी truth और non-violence को follow करते थे. After a lot of struggle and the loss of many lives, India finally became an independent country, free from foreign rule on 15th August 1947. और finally 15th August 1947 को बहुत सारे struggles के बाद और बहुत सारी जाने गई जिसमें लाइफ्स गई जिसमें, उसके बाद हमारा जो देश इंडिया है वो फ्री हुआ ब्रिटिशर्स के रूल्स. नाउ एआई फैक्ट्स.
Nowadays, artificial intelligence, AI generated images are everywhere. AI generated images हर जगह ही use होते हैं. Recently, AI generated images of ancient Indian rulers such as Chandragupta Maurya, Bindusara, Ashoka, Ranjit Singh, Muhammad Gauri and many more. Fine? Now, the catalog. Civilization, a society which has its own highly developed culture and way of life. Glorious, glorious ka matlab having a deserving fame or success. Protest, the act of objecting or a gesture of disapproval. कोई चीज़ अगर acceptable नहीं है तो उसको object करने का एक act उसे कहा जाता है protest. किसी way में भी हो सकता है. Supremacy, the quality or state of having more power, authority or status than anyone else. Tremendously, to a very great amount or level or extremely well. Now, what we have read in this chapter, just look over it. The Indus Valley Civilization developed in northwestern India around 2500 BCE. The history of India can be divided into three periods, the ancient period, the medieval period and the modern period. Around 1500 BCE, the Aryans came in India from Central Asia. Emperor Ashoka, who embraced Buddhism, was a ruler of Mauryan dynasty. Akbar was a powerful ruler of the Mughal Empire. Mughal Empire ka sabse powerful ruler kaun tha? Akbar. Now, the estimation corner, choose the correct option. Around 1500 BCE, the Dash came to India from Central Asia. Central Asia mein India, 1500 BCE mein kaun aaya? Greeks, Aryans, Arabs, Akbar. The Aryans came. So, we'll take option B, Aryans. Dash was Humayun's father. Humayun ke father kaun the? Babur, Akbar, Shahjahan, Aurangzeb. Babur was Humayun's father. Chandragupta Maurya's grandson was Ashoka, Akbar, Shahjahan, Madras. To kaun the Chandragupta Maurya ka grandson kaun tha? Ashoka. Now moving further. Now let's do some fill in the blanks. Alexander defeated King Dash of Punjab and was impressed with his bravery. Kisko defeat kiya tha Alexander ne? King Porus of Punjab. Dash was the advisor of Chandragupta Maurya. Kaun tha Chandragupta Maurya ke advisor? Chanakya. Chanakya was Chandragupta Maurya's advisor. Dash and Dash were big cities of the Indus Valley civilization. Mohenjo-daro and Harappa were the big cities. The Dash was an important organization that led the Indian freedom struggle. The Indian National Congress. The Indian National Congress. Indo-Aryans came to India during the Dash Age, during the Vedic Age. Now state whether the following statements are true or false. Babur came to India in 1526 BCE. False. It was 1526 CE. The Golden Age of ancient India was during the rule of Ashoka. This is also false. Sirajuddaula was defeated by the Nawab of Bengal. No, he himself was Nawab of Bengal. False. The Marathas and the Sikhs became powerful after the Mughals gradually lost their power. Yes, this is true. Bahadur Shah Zafar was the last Mughal emperor. Yes, this is also true, children. Fine? Now, some question answers. Answer the following questions. List the important features of the Indus Valley Civilization. हमने अभी Indus Valley Civilization के बारे में पढ़ा, उसके important features भी पढ़े हैं. So just read it out again and write them.
What did the Aryans do when they came to India? जब Aryans India आए तो उन्होंने क्या क्या किया? List them out. Who was Ashoka? How did he help in spreading Buddhism? Ashoka was Chandragupta Maurya's grandson, and when he fought the Battle of Kalinga and he saw the violence there, he saw the bloodshed and people injured in that violence. So after seeing the violence, he was very upset and he left. He from then promised that he will not fight anymore, and he acquired Buddhism. In this way, he spread the Buddhism all over the world. Write a note on Alexander the Great. Kaun the Alexander the Great? Who was he? And we have just now read about Alexander. So please read it out again and write down about Alexander. Who became a face of the freedom movement? How? Face of the freedom movement kaun bane the? Mahatma Gandhi. Because unhone truth and non-violence ke basis par hi India ko freedom dilwaya tha. So write down about Mahatma Gandhi here. Okay, children. So children, here we end up with this lesson, and I hope you have learned many things from this lesson. So keep learning. Thanks for watching this video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, stay blessed and have a great time. Bye.